एंड वेलकम बैक गाइस फिटनेस फर्स्ट टीवी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो यार बहुत दिन हो गए थे, मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो मेरा कुछ ऐसा शेड्यूल हो गया था। अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं 12th के, तो उसकी तैयारी में लगे हुए थे। आज मैं बहुत पहले एक प्रोडक्ट लाया था, ऑलवेज ख़त्म ही हो रहा है। तो देखो तो सफोला फिटीफाई इसका नाम है और देखते हैं कैसा। भाई बहुत दिन से मैसेज कर रहे थे कि कुछ नया नहीं आ रहा, कुछ नया आया और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि इसके अंदर है आपका वे प्रोटीन एडिड है। तो वे प्रोटीन और ये प्लस ये सर्दियों में आपको गेनिंग में बहुत हेल्प करने वाला है। मैं कैसे बता दूँ उसको, एक बार इसकी आगे की प्रोफाइल चेक करेंगे तो देखो इसमें क्या क्या मिल जाता है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। जी प्रोडक्ट सफोला फिटीफाई वे प्रोटीन अनफ्लेवर्ड है, मतलब अनस्वीटेड, मतलब इसमें फ्लेवर तो आएगा आपको पीनट का, क्योंकि इसमें यूज़ करी गई है 100% रियल पीनट्स डले हैं इसके अंदर। और ये सुपर क्रीमी है, सुपर क्रीमी का भी अभी बताऊंगा, इसका असली रिव्यू दूंगा, क्योंकि भाई देख सकते हो डब्बे की, डब्बा पूरा खाली है, थोड़ा सा बचा है नीचे, बस पूरा इसको ख़त्म कर दिया। अब इसका रिव्यू मैं तभी बंदों को रिव्यू देता हूँ जो चीज़ अगर अच्छी होती है, तो अगर वो चीज़ में कोई भी दिक्कत है वो भी बताता हूँ मैं आपको इस वीडियो में। इसके अंदर आपको सबसे बड़ी बात प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमारा देखो नॉर्मल प्रोटीन के अंदर 100 ग्राम की सर्विंग में आपको 26 ग्राम प्रोटीन्स मिलता है, पर इसके अंदर है 33.9 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और एक तरीके से आप इसको एक एज ए मास गेनर भी यूज़ कर सकते हैं सर्दियों के अंदर, क्योंकि मास गेनर के अंदर कैलरी और प्रोटीन ज़्यादा होता है और ये आपको गेनिंग में काफ़ी हेल्प कर सकता है। आप अगर 2 स्पून की अगर सर्विंग अगर 32 ग्राम अप्रॉक्स जाती है ना, जो मतलब अप्रॉक्स सर्विंग आती है, तो 10.8 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा और बाकी आप न्यूट्रिशनल फैक्ट देख सकते हैं इसके। और डाइट्री फाइबर भी है इसके अंदर, शुगर देखो ज़ीरो है। मैंने जितने भी पहले पीनट बटर दिखाया उसमें शायद शुगर थी, क्योंकि और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब मैं शुगर वाले तो बिल्कुल भी नहीं लूँगा, बट इसके टेस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ गाइस मैं बता दूँ, इसका टेस्ट ना थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ही मतलब वैसा लगा, क्योंकि मैंने एकदम से शिफ्ट करा है शुगर वाले से सीधा इस पर, तो मेरे को वैसे एकदम मूंगफली वाला फील आ रहा था एकदम। और इसके अंदर जो ये सुपर क्रीमी फ्लेवर है इसका मैं बता दूँ क्या सिस्टम है, मतलब सुपर क्रीमी एक तो नॉर्मली क्रीमी आते हैं हमारे, और जो सुपर होता है, जो सुपर क्रीमी होता है उसमें हमारा क्या होता है और भी ज़्यादा मतलब एकदम पिसा हुआ, एकदम ऐसा लगता है ना सूखा सूखा सा ब्लेंड, तो ये कुछ ज़्यादा ही सूखा है। थोड़ा सुपर क्रीमी की जगह आप सुपर क्रीमी ना लें, मैं तो कहूँगा आप सिर्फ क्रीमी लें, और बाकी तो ज़्यादातर बंदे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मैंने ले लिया था तो मैंने सोचा ठीक है आ गया। तो बाकी मैं क्रंची लेने को था लेकिन क्रंची अवेलेबल नहीं था तो उस टाइम। इसका MRP रेट अभी 650 है, तो ये ऑनलाइन से लेना थोड़ा सस्ता पड़ेगा, मतलब 650 ये ज़्यादा दिखा रहा है इसमें, शो कर रहा है। आने वाले टाइम में क्या पता ये अपने रेट बढ़ा दें, तो अच्छा प्रोडक्ट है आप ज़रूर लेके देखें। इसके अंदर देखो एकदम बढ़िया से न्यूट्रिशन फैक्ट दे रखे हैं। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो रोस्टेड पीनट है 89%, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट इसमें मिला रखा है 10%, जिसकी वजह से इसकी प्रोटीन कंटेंट है जो काफ़ी हाई हो जाता है। और इसके अंदर की बात करें तो हाई प्रोटीन तो इसमें है ही, कंटेन फाइबर और कीटो में आता है ये, नो एडिड शुगर, जो कि इसकी काफ़ी अच्छी बात है। बाकी इसको आप स्कैन वगैरह भी कर सकते हैं और भी ऑफर के लिए, और दिल के लिए काफ़ी अच्छा होता है सबको पता है पीनट बटर। और लेकिन जिनको गेनिंग करनी है उनको किस तरीके से लेना है, मैं इसकी अगर आप चाहते हो कि इसकी वीडियो बनाऊँ रेसिपी गेनिंग की, एकदम बल्क गेनिंग मैं कह रहा हूँ ना, जिसको गेनिंग हाँ थोड़ा गेनिंग में पेट ज़रूर निकल आता है लेकिन आप अच्छा खासा मास पुट ऑन कर लोगे अपनी बॉडी के अंदर, जबकि सर्दियाँ हैं भाई गेनिंग तो बनती है, तो भाई गेनिंग बनती है, तो गेनिंग करने के लिए भी आपको सस्ता और बढ़िया एकदम टिकाऊ चीज़ बताऊँगा जो कि आपको गेनिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। एक तो भाई पहली बात, अगर पीनट बटर मंगा रहे हो ना तो हाई प्रोटीन वाला मंगाना, क्योंकि अगर जो भी आपके शरीर में जो हाई प्रोटीन लगेगा, कुछ रुकना भी तो चाहिए शरीर में, अगर आप ज़्यादा कैलरीज ले लोगे उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा, आपका फैट भी बढ़ सकता है उससे, इसलिए आप ऐसा प्रोटीन लो जिसके अंदर आपका प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो। तो अगर आपको पीनट बटर और मतलब पीनट बटर से बनने वाली गेनिंग या फिर गेनिंग शेक, अभी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना उस पर, तो भाई गेनर से अच्छा ये ऑप्शन हो सकता है आपके लिए शायद, अगर मैं बता पाऊँ तो, क्योंकि गेनिंग गेनर से क्या होता है हमारी उसमें बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी के उसमें यूज़ करे जाते हैं कार्ब्स, लेकिन इसके अंदर आपको 100% नेचुरल पीनट्स मिल रही हैं। आपने देखा होगा इसके लेवल भी शो रखा है आगे, 100% रियल पीनट से ही बना हुआ है, प्लस इसके अंदर वे प्रोटीन एडिट है जो कि हमें काफ़ी ज़रूरत है उसकी, क्योंकि 33 ग्राम आपको वे प्रोटीन अगर मिल जाता है किसी कंटेंट में तो काफ़ी अच्छा है। और बाकी इसकी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा। वैसे मैं ये किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा, मेरे को कोई इससे वो नहीं है, हाँ मेरे को अच्छा लगा मैंने बोला,
बट इसमें इसका सुपर क्रीमी मत लेना, मत लेना मैं कह रहा हूँ, सुपर क्रीमी मत लेना, इसका क्रंची ज़्यादा लेना, क्रंची वाला ले लेना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। ये मेरे को टेस्ट अच्छा नहीं लगा वैसे, सही बताऊँ तो मेरे को। अगर तुम्हें लेना तो दूसरा टेस्ट लेना, ये मत लेना। और अगर आपको गेनिंग शेक जानना है, मतलब आपको गेनिंग करनी है तो कैसे गेनिंग शेक बनता है वो भी मैं बता दूंगा। और मास गेनर वास गेनर के चक्कर में मत पड़ भाई, गेनर वेनर मत खाओ, उससे होगा कुछ नहीं, फैट बढ़ जाएगा, फिर कम करोगे कटिंग करोगे फिर वही गायब हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा बहुत अगर वेट बढ़ भी गया तो बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी के उसमें यूज़ करे जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। अरे हमारे इंडियन डाइट के अंदर इतने बढ़िया कार्बोहाइड्रेट इसमें मिलते हैं आपको, केला हो गया और पीनट बटर हो गया, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती हैं। अभी आपको अगर अगर गेनिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं पूरी गेनिंग से रिलेटेड डाइट पूरी बना दूंगा। और आपको चाहिए हो तो, मैंने भी काफ़ी बल्क कराया है पहले से, तो मैं आपको आफ्टर और बिफोर की अगर आपको चाहिए, अगर मेरे को जान देखना है कि कैसी, मतलब क्या क्या करा मैंने अपनी बल्किंग के लिए, तो फोटो मैं दिखा दूंगा आपको। बहुत ज़्यादा अच्छा गेन करा मैंने, और वो भी बिना किसी गेनर के। तो गेनर वेनर के चक्कर में पड़ोगे, पैसे वेस्ट हैं, साफ बताता हूँ, और पैसे वेस्ट हैं। और ऊपर नया सीज़न आ रहा है, उसमें आपको शकरकंदी वगैरह इतने बढ़िया बढ़िया आपको गेनिंग के लिए सबसे बढ़िया बता रहा हूँ। और अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए कि मैं गेनिंग के लिए वीडियो बनाऊँगी, गेनिंग कैसे करनी है, कैसे कैसे क्या करना है उसके लिए, तो मैं बना दूंगा। तो बाकी भाई स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा ये नहीं कि आप बड़े बड़े एथलीट्स को फॉलो करते हैं, अरे हम उनकी भैया की डाइट फॉलो कर रहे हैं, बड़े बड़े एथलीट्स को, कि अगर भाई उसने तो बहुत बड़ी अच्छी बॉडी बना रखी है, अब बड़े एथलीट, अब उनको देख के आप उनके जैसी सेम डाइट फॉलो करने लग जाते हो। हमारे जितने बड़े यूट्यूबर हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, तो उन्होंने अगर आपको वो डाइट बताते हैं तो भाई वो एज अकॉर्डिंग भी बहुत फ़र्क होता है। और आपको पता है कि स्टूडेंट लाइफ में जो भी खर्चा होता है वो खुद अफोर्ड हर कोई नहीं कर पाता, तो उसके लिए मैंने, अगर आपको चाहिए अच्छी लो बजट डाइट और आपकी एज के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी हम 17-18 साल के, 19 साल के जो बच्चे हैं या कुछ भी हैं, अगर वो शरीर में बल्क करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग में अगर उनका इंटरेस्ट है तो भाई कुछ करना चाहते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। बट ये नहीं कि अगर हम मान लो किसी बड़े इंटरनेशनल एथलीट या किसी की भी दिन का डाइट प्लान देखकर हम कहें कि ये तो ये खाता है, ये खाता है, और फिर हम ऐसे अपनी बॉडी बनाएंगे, तो वो नहीं हो सकता। स्टूडेंट लाइफ में आप इतना ज़्यादा मतलब अपनी डाइट को फॉलो भी नहीं कर सकते, और ऊपर से आप इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो। तो उन एथलीटों को देखना, थोड़ा सा देखना मैं कह रहा हूँ, बंद मत करो, अच्छा बात है, मोटिवेशन लो और अपनी अकॉर्डिंग उस डाइट को फॉलो करो। ये नहीं कि वो बंदा इतना कैलरीज खा रहा है तो हमें कितने कैलरीज की ज़रूरत है, हमारे जो शरीर के हिसाब से हमें जितनी कैलरीज खानी है वो हमें पता होता है। तो जितना ध्यान रखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट कर देना, और अपनी एज के अकॉर्डिंग अपनी एज लिख के भेज देना, और उस एज के अकॉर्डिंग मैं एक डाइट प्लान बल्किंग का, फास्ट बल्किंग का बनाऊंगा सर्दियों में, मतलब जल्दी से गेन हो जाए, फिर उसके बाद गर्मी आते आते अपना सब सेटल। सपनों की बॉडी बनानी है ना तो करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ तक कि मेरी बात है कि यहाँ की बॉडी का क्या सिस्टम है, तो भाई सब चलेगा, और अपना भी जैसे 10th 10th 12th 12th के स्टूडेंट हैं, अभी थोड़ा सा बोर्ड एग्ज़ाम्स पर भी ध्यान देना है हमें, और हमें अपने डाइट चार्ट शेड्यूल को भी देखना है, हमारे जो शरीर है बल्किंग करनी है, गेनिंग करनी है, किसी को पतला होना है तो भाई अपनी डाइट एकदम बढ़िया होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बात करी वीडियो के अंदर, तो आपको अगर वीडियो में चाहिए डाइट प्लान चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैं अवेलेबल करवाऊंगा, और आपको अपनी एज के हिसाब से, क्योंकि देखो यार किसी भी बड़े एथलीट को देख के हम यूँ नहीं कर सकते कि हम उसकी डाइट फॉलो करने लग जाएं, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे जो अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे हमारे राजवीर सिसोदिया हो गए, इनको इनको सब्सक्राइब करो यार, देखो रियलिटी जो बताए उसको फॉलो करने में भी अच्छा लगता है। 16-16 17-17 साल के बच्चे ये आजकल स्टीरोइड के चक्कर में ना पड़े, तो जाओ यार राजवीर भाई को फॉलो करो पहले, तो राजवीर सिसोदिया भाई को, हमारे बड़े भाई हैं, गुरुजी कह लो, कुछ भी कह लो, बहुत बहुत ही अच्छी गाइडेंस देते हैं, मतलब, और काफ़ी अच्छे इन्फ्लुएंसर भी हैं, काफ़ी नाम नाम भी कमाया भाई ने। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी लाइफ ख़राब मत करो इन सब चीज़ों में, मतलब 16-17 साल में ये बॉडी बिल्डिंग, ये वो उस एथलीट की डाइट फॉलो कर रहे हैं, ये आपकी बॉडी, हर किसी की बॉडी भाई अलग अलग होती है, हर किसी की बॉडी में अलग अलग काम करती है, अलग अलग डाइट सेम नहीं रहती। आप उसको देख के खा रहे हो ना तो उसकी बॉडी में वो कैसे लग रहा है, आपको क्या ज़रूरत है, किस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और आपको क्या खाना है, ये वो सामने वाला नहीं बता सकता, आपको खुद समझना होगा इस बात को, ठीक है। तो ये नहीं करनी है, वीडियो बना दूंगा, और कमेंट कर देना बढ़िया से, लव यू।